कुरुक्षेत्र में अग्रवाल धर्मशाला नजदीक रेलवे स्टेशन में सरस्वती मेडिसिन एजेंसी की ओर से स्वर्गीय सुमेध चंद अग्रवाल की पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 85 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस शिविर में लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल कुरुक्षेत्र के ब्लड बैंक से डॉक्टरों की टीम ने अपनी ओर से पूरा सहयोग किया। ये परिवार की ओर से 10वां रक्तदान शिविर था। इस अवसर पर वेदभूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, अमित अग्रवाल, पुनीत अग्रवाल, भूपेश अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, कपिल किशोर, मुरारी लाल अग्रवाल, खरैतीलाल सिंगला, अशोक सिंगला, राजेश सिंगला, विनीत गुप्ता, चंद्रभान सिंगला, प्रमोद सिंगला, मुनीष गुप्ता, कृष्ण धमीजा भी मौजूद रहे। रक्तदाताओं में विशेष रूप से पवन, दीपक, प्रेम, विनोद, जीवन, दुर्गेश, संदीप बंसल, मनन सिंगला ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। अंत में परिवार की ओर से आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया गया। विशेष रूप से लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल के सभी डॉक्टरों तथा वैश्य अग्रवाल पंचायत समिति का आभार प्रकट किया गया। आज का यह ब्लड डोनेशन कैंप हम अपने पूजा दादा श्री सुमेध चंद अग्रवाल जी की तरफ से ऑर्गेनाइज करते हैं। हर साल उनकी पुण्यतिथि जो कि 11 जुलाई 2010 है, उससे लेके आज हमारा 10वां रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग। और इस रक्तदान शिविर में समाज की सारी संस्थाओं का सहयोग हमें प्राप्त होता है। हम पूरे परिवार की तरफ से सभी कुरुक्षेत्र के नगरवासियों को धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो हर साल हमें ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और हमें भरपूर सहयोग प्रदान करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे फ्यूचर में भी हम इसी तरह के ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे। इस ब्लड डोनेशन कैंप में विशेष रूप से लोकनायक जो जयप्रकाश जो हॉस्पिटल है वहाँ की टीम का हमें मुख्य रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और जो हर साल हमें इस तरह का सहयोग देते हैं। दोस्तों, जो भी हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है उसमें हर आदमी को ये चाहिए कि हम व्यक्तिगत रूप से हर 6 महीने के बाद ब्लड डोनेट जरूर करें, क्योंकि जो भी हम आज की दिनचर्या है, जिस तरीके से हमारा रक्त बनता है, उस तरीके से कभी कभी हमारे को खून के धक्के बन जाते हैं या मस्तिष्क के अंदर क्लॉट हो जाता है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को ज़रूर हर 6 महीने बाद एक ब्लड डोनेशन के अंदर ज़रूर अपना ब्लड देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी हम किसी गरीब आदमी को या किसी भी कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं आकस्मिक कोई ना कोई दुर्घटना होती है, तो अचानक उसको हर बार ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ये ब्लड आपके स्थानीय जो भी आपका सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर मात्र जो आपका शुल्क चार्जेस लगते हैं, जो ब्लड को प्रोसेस करने के बाद चार्ज किए जाते हैं, उसके अलावा ये निःशुल्क दिया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी रक्तदाता आए हैं उन सभी का मैं पूरे परिवार की तरफ से श्री वेदभूषण अग्रवाल, श्री भारत भूषण अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, अमित अग्रवाल, पुनीत अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, भूपेश अग्रवाल, सभी पूरे परिवार की तरफ से सरस्वती मेडिसिन एजेंसी की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और लगता है कि हम हर साल इसी तरह से अपने दादाजी की याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। सभी भाइयों को नमस्कार, मैं कपिल किशोर करनाल से। भाइयों, आज हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारे दादाजी श्री सुमेध चंद अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति में यहाँ कुरुक्षेत्र की अग्रवाल धर्मशाला में लगाया जा रहा है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी शहरवासियों में बहुत उत्साह है इस कैंप को लेकर। सभी बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। भाइयों, आपको मैं बताना चाहूँगा, ब्लड डोनेट करने से शरीर में किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। मैंने खुद भी 71 बार ब्लड डोनेट किया है और डॉक्टर भी बताते हैं कि रेगुलर ब्लड डोनर को बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कि हाई BP, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस और भी बहुत सी बीमारियाँ कभी नहीं होती। और हमारा जो ये ब्लड जो हम डोनेट करते हैं, कुरुक्षेत्रा के जो सरकारी ब्लड बैंक है वहाँ पर जाएगा और जो भी मरीज सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल होता है उसको बिल्कुल फ्री में ब्लड मिलता है। और भी बताना चाहते हैं इसके जो ब्लड डोनेशन के फ़ायदे हैं, हर शहर में थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं। थैलेसीमिया वो बीमारी होती है जिनमें छोटे छोटे बच्चों का खून नहीं बनता। हर 20-25 दिन या महीने बाद इन बच्चों को खून की आवश्यकता पड़ती है और उन बच्चों को भी ये ब्लड बिल्कुल फ्री में चढ़ता है। और ये जो थैलेसीमिया नामक बीमारी है, इसका हमारी मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। 1-2 इलाज अगर हैं तो बहुत ही महंगे और बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। इससे बचने के 2 ही रास्ते होते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे शादी से पहले हम लड़का और लड़की का कुंडली तो मिलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका ब्लड टेस्ट भी जरूर कराना चाहिए। अगर किसी वजह से वो टेस्ट रह जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान भी एक टेस्ट होता है, वो भी जरूर कराना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि आने वाले बच्चे को ये बीमारी होगी या नहीं।
और इन्हीं दो टेस्टों के माध्यम से हम अपने भारत देश को थैलेसीमिया मुक्त कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि शादी के दौरान कुंडली के साथ साथ अपने दोनों बच्चों का ब्लड टेस्ट भी अवश्य कराएं, और जो भी रक्तदाता आज हमारे रक्तदान शिविर में आए हैं हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी, धन्यवाद। आज स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में सरस्वती मेडिसिन एजेंसी के माध्यम से उन्होंने अपने परम आदरणीय स्वर्गीय श्री सुमेर चंद अग्रवाल जी की स्मृति में यह जो 10वां रक्तदान शिविर लगाया है, इसमें लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की टीम, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, अग्रवाल धर्मशाला की प्रबंधन समिति, उन सभी का आभार प्रकट करते हैं जिनके सहयोग से यह रक्तदान शिविर लगाया गया है। इन्होंने अपने स्वर्गीय श्री सुमेर चंद अग्रवाल जी, जो परम आदरणीय श्री वेदभूषण अग्रवाल जी, श्री भारत भूषण अग्रवाल जी और श्री विनोद अग्रवाल जी के स्वर्गीय पिता हैं, उनकी याद में यह जो प्रथा चलाई है यह बहुत ही सराहनीय है, और पूरे नगर के वासी, नगर की सभी संस्थाएं इनका सहयोग कर रही हैं जो रक्तदान शिविर है। और इनका ये प्रयास रहता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर कोई भी मरीज रक्त के बिना ना रह पाए, किसी भी इस रक्तदान के शिविर के अलावा भी जितना भी अन्य समय होता है किसी मरीज को रक्त की ज़रूरत होती है तो सभी परिवार के सभी सदस्य और नगर की सभी संस्थाएं रक्त देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। इस कैंप के माध्यम से आज जो टीम यहां पर आ रही हैं और जो रक्तदाता रक्त दे रहे हैं उन सब का विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा, और मीडिया का भी विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनके माध्यम से और जिनकी सहायता से इस रक्तदान शिविर को सफल बनाया जा रहा है। मैं कुरुक्षेत्र से मुरारीलाल अग्रवाल इस परिवार से इनके पिताजी के टाइम से जुड़ा हूं, और ब्लड डोनेशन का ये हर साल कैंप लगाते हैं, पीछे कोरोना की वजह से नहीं लगा सके, और बहुत ही उत्तम कार्य है ब्लड देना, एक इतना अच्छा काम है कि मुसीबत में मरीज की जान बचाई जा सकती है। तीनों भाई अपने पिताजी के याद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर साल करते हैं, तो मैं इनका भी धन्यवाद करूँगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इनके पिताजी की आत्मा भी जरूर देख रही होगी मेरे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद।